नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। औरंगाबाद मुख्यालय स्थित गांधी मैदान में आयोजित भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण के क्रम में औरंगाबाद पहुंचे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के कई वरीय नेता तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम नरेश भी मौजूद थे। बताते चले कि इस कार्यक्रम में सिर्फ भाजपा के नेताओं पर इन सभी कांग्रेसी नेताओं ने अपने संबोधन में जमकर सरकार के खिलाफ अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस कार्यक्रम में आए राहुल गांधी एक बार फिर बिहार के दौरे पर पहुंचे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत यहां उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि सुना है दुबई में वहां के राजा के साथ गले मिल रहे हैं पीएम मोदी, मीडिया में सिर्फ उन्हें दिखाया जाएगा। वही किसान आंदोलन पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली बॉर्डर पर किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है लेकिन उन पर गोले बरसाए जा रहे हैं और रोड पर किले ठोककर किसान की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, लेकिन यह सारी चीजें मीडिया में नहीं दिखेंगी, मीडिया पर सिर्फ पीएम मोदी दिखेंगे। वही यात्रा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी वादा में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो सबके खाते में 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। वह रुपए कहाँ गए? सिर्फ कॉरपोरेट घरानों के कर्ज माफ किए जा रहे हैं, किसान के ऊपर लाठियां और आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि जब मेरे साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे तो कहते थे मर जाऊंगा परंतु भाजपा में नहीं जाऊंगा, कुछ ही माह में वायदे भूल गए। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में महागठबंधन सरकार ने 10 लाख नौकरी देने का वायदा किया था। जब नौकरी देना शुरू किया तो नीतीश कुमार नाराज होकर चले गए। उन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध ने सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश दिया था। जब नौकरी देना शुरू किया तो नीतीश कुमार नाराज होकर चले गए। उन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध ने सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश दिया था। सत्य के रास्ते पर चलने वाले सिर्फ राहुल गांधी हैं। सत्य के रास्ते पर चलने वाले सिर्फ राहुल गांधी हैं। जीरो। अच्छा बताओ, मीडिया के कंपनी के मालिक ओबीसी दलित आदिवासी कितने? प्राइवेट अस्पतालों के मालिक बताओ? जीरो। प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उसमें बताओ कितने? जीरो। एक नहीं दिखेगा आपको। अब एक काम करो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो, मजदूरों की लिस्ट निकालो,